ओखला के एमएलए अमातुल्ला खान, जिन्हें आज ईडी ने लगभग 6 घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था, उनको आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। देर रात यह फैसला आया। ईडी ने अमातुल्ला खान के लिए आज 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड दी है। अब अमातुल्ला खान कोर्ट में 6 तारीख को पेश होंगे। उस दिन क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ईडी का कहना यह है कि हमने जब अमातुल्ला खान से पूछताछ की तो वो हमें सहयोग नहीं दे रहे थे, उन्हें जिस तरह के सवालात किए जा रहे थे उनके वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज अमातुल्ला खान के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी कि हिरासत में अमातुल्ला खान को भेजना सही नहीं है और उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद अमानत को 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी का एक आरोप है कि अमातुल्ला खान को 14 सम्मन भेजे गए जिसमें से सिर्फ वो एक में पेश हुए। यानी कि ईडी का कहना यह है कि अमातुल्ला खान पे जो घपले और घोटाले का आरोप है, इस सिलसिले में उनकी जो जांच हो रही है इसमें वो ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी का यह भी कहना है कि अमानत के जो साथी इस मामले में पहले से गिरफ्तार हैं उन्हें जेल में डाला गया है, उनसे इनका सामना कराना ज़रूरी है और जो सबूत हैं उससे भी इनको सामना कराना ज़रूरी है, वो सबूत भी इनको बताना ज़रूरी है, इसलिए वो ज़्यादा दिनों की ईडी की हिरासत मांग रहे थे। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ 4 दिनों तक के लिए ईडी की हिरासत में अमानत को भेजने का फैसला किया गया है। 6 सितंबर को अमानत अदालत में पेश होंगे, फिर मालूम चलेगा उसके बाद क्या होता है। आप सब ने आज हमारी खबर देखी होगी, यहाँ भी देख रहे हैं जो हमने खबर किया था अमातुल्ला खान के घर के पास से ईडी की टीम लगभग 6-7 के बीच में अमातुल्ला खान के घर पे आ गई थी। उसके बाद लगभग 12:30 बजे तक वो टीम वही थी, यानी कि लगभग 6 घंटे तक अमानत के घर में ईडी की टीम रही, उनसे पूछताछ हुई। इस दौरान अमानत ने सुबह एक वीडियो भी जारी की और उन्होंने कहा ईडी वाले हमें परेशान कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सास जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्हें कैंसर है, उसका भी हवाला दिया कि हम चाहते हैं कि उनके साथ रहें, उनके साथ वक्त दें, उनको कुछ वक्त की ज़रूरत है, हम सबकी मदद की ज़रूरत है, मगर ईडी वाले हमें मदद नहीं कर रहे हैं और हमें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ओखला वालों से अपील की कि हमारे लिए आप दुआ करें। आप सबको बता दें कि ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। अमातुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि अमानत ने अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए कुछ लोगों को वहाँ पे जॉब दी, जॉब उन्होंने गलत तरीके से दी, उससे उन्होंने पैसे बनाए। उसके अलावा ईडी का आरोप यह है कि अमानत ने वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसे पट्टे पे दी, उससे उन्होंने गैरकानूनी तरीके से बहुत सारे पैसे कमाए और अमानत ने जो बहुत सारे पैसे कमाए उन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अपने दोस्तों के ज़रिए अचल संपत्ति खरीदने में की। ये सब अमानत पे आरोप है। अमानत पे जो भी आरोप ईडी ने लगाया है अब तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग अमानत के सपोर्ट में पूरी तरह से आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं जिस तरह ईडी केजरीवाल को परेशान कर रही है, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को परेशान कर रही है, वहीं अमातुल्ला खान को भी परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर नेता इस संकट की घड़ी में अमानत के साथ हैं। संजय सिंह तो अमानत के घर भी आए थे, उन्होंने अमानत के घर वालों से मुलाकात की और उसी वक्त उन्होंने वहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी आम आदमी पार्टी के सारे लोगों को परेशान कर रही है, तंग करना चाहती है, इलेक्शन में कमज़ोर करना चाहती है और ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अमानत को भी इस सिलसिले में ही परेशान किया जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमानत ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए घपले या घोटाले किए या नहीं किए। फिलहाल वो परेशानी में है, 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिए गए हैं, 6 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे। उस दिन क्या होगा ये उस दिन पता चलेगा।